हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिम अपडेट। होप यू विल बी गुड। आशा करता हूँ सभी मजे में होंगे। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टीवीएस जुपिटर 110 जो कि बेस मॉडल है। तो चलो तुम्हें इसको दिखाते हैं और सारी डिटेल बताते हैं, तो बने रहो इस वीडियो में, एंजॉय करो। जैसा कि तुम देख सकते हो इज इन व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। इसके बाद तो और भी कलर आता है, ग्रे आता है, ब्लैक आता है, ब्लू आता है। तो देख सकते हो ये इसका आगे का व्यू कुछ ऐसा है। ये ऊपर का मडगार्ड साथ में देख सकते हो दो हेडलाइट लगी हुई है। यहाँ पे ये क्या नाम है, नंबर प्लेट लगता है। साथ में तो टीवीएस का लोगो है। और देख सकते हो ये इसका ब्रेक, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का। और देख सकते हो एलईडी लाइट इसमें यूज की गई है, साथ में दो मिरर लगेंगे। तो ये दोस्तों ये इस तरह से तुम इसको हैंड ब्रेक कह सकते हो। ये इसका देख सकते हो डिस्प्ले है जो कि बता दूं टॉप स्पीड 85 की जाती है। साथ में देख सकते हो पावर इको मोड पे ये गाड़ी चलती है और इस पर देखा जाएगा कितना फ्यूल है, कितने सब शो करता है। तो चलो गाड़ी ऑन करते तुम्हें दिखाते हैं। ये इसके ऑन ऑफ के फीचर्स तुम देख सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो ये इसका स्पेस है काफ़ी, जिसपे सामान भी रख सकते हो। यहाँ से जो छोटा सा जगह दिया है वहाँ से तुम चार्जिंग का चीज लगवा सकते हो। तो इसकी बात की जाए सीट की, तो सीट काफ़ी कम्फर्ट है। अगर दूर जाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। और बात की जाए ये पीछे देख उसको फ्यूल टैंक दिया हुआ है। 125 में क्या था फ्यूल टैंक आगे किया है, पर बेस मॉडल में क्या फ्यूल टैंक को पीछे किया है। ये पीछे का इसका कुछ व्यू है, बता दो इट इज वेरी ब्यूटीफुल कलर। तो जुपिटर का सिंपल सा लोगो लगा हुआ है। और बात की जाए इसके सीसी की, तो 110 सीसी की है। और बात की जाए माइलेज की, तो माइलेज भाई इसके ओनर से एक मैंने बात की तो उसने बताया कि ये गाड़ी 50 तक देती है। तो देख सकते हो ये इसको पैर रखने के लिए जगह दी हुई है। इंजन की बात की जाए तो इंजन 110 सीसी का है, फुल इंजन है। साथ में देख सकते हो ये इसकी सीट भी काफ़ी बड़ी है, तो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। आगे देख सकते हो काफ़ी सामान भी रख सकते हो, जगह भी बड़ी है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। बता दूँ टॉप मॉडल ये बेस मॉडल में काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है। उठाओ तेल डलवाओ चलाओ, बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल गाड़ी है। इसके ऊपर जाओगे 125 मॉडल में तो उसमें तुमको ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिल जाएगा। तो तुम कमेंट कर सकते हो इज बेटर 110 सीसी या 125 सीसी। 125 सीसी में क्या है कि इसका माइलेज कम कर दिया और 110 सीसी में माइलेज ज़्यादा है। तो जुपिटर का लोगो लगा हुआ है। बात की जाए कलर की, तो इसके कई कलर तुम्हें मिल जाएंगे। ये बात की जाए इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ये बता दूँ कि गोरखपुर मोटर्स में ये पड़ेगा 98,000 रुपीज़, 98,000 का ये ऑन रोड मिल जाएगा। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस लेना चाहो तो फाइनेंस भी मिल सकता है। ये दोस्तों इट इज़ ये इसका बूट स्पेस है, तो बूट स्पेस भी काफ़ी ठीक ही है, काम चल जाता है, हेलमेट वगैरह आ जाता है। देख सकते हो ये इसकी सीट देख सकते हो काफ़ी बड़ी है। जिसके पास ये गाड़ी है वो कमेंट करके बता सकता है कि ये गाड़ी कैसी है। और 50 अगर कस्टमर दावा सॉरी कंपनी ने दावा कर रही है तो तुम बता सकते हो कि 50 ये देती है एक्चुअल में या नहीं। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 85 की देती है। टॉर्क की बात की जाए 8 Nm का इसका टॉर्क है। तो चलो तब से तुम इसका व्यू दिखा सकते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, यू कैन गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। तो देख सकते हो इसको करीब से भी दिखाते हैं और दूर से भी दिखाते हैं। तो मोटा मोटा बात की जाए तो ये ऑन रोड कैश पड़ रही है 98,000 की, फाइनेंस में चाहो तो फाइनेंस पे भी मिल जाएगी। और इसके और भी वेरिएंट आते हैं। टॉप वेरिएंट जो आता है 125 का है और ये 110 सीसी का। तो तुम्हें जैसे नीड हो वैसे तुम देख सकते हो। 125 का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, अगर तुम जानना चाहो तो प्रीवियस वीडियो में जाके मेरा देख सकते हो। तो ये वीडियो तुम्हें जैसा भी लगाओ अच्छा बुरा या ऐसे रिव्यू में जो भी चीज़ रह गई तुम कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो।